गुड आफ्टरनून। अपन लिंग जेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं। जेंडर क्या है, लिंग क्या है, उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो लिंग सबसे पहले कहते किसे हैं, जेंडर कहते किसे हैं। तो शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है। उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। पहला है लिंग के भेद, लिंग के दो भेद होते हैं। पहला है पुल्लिंग दूसरा है स्त्रीलिंग। पहला कौन सा है, पुल्लिंग, दूसरा क्या है, स्त्रीलिंग। ये किसके हैं, लिंग के भेद होते हैं। तो आज अपन ने जो पढ़ रहे हैं अपन जेंडर के बारे में, सबसे पहले अपन ने उसकी परिभाषा देखी कि लिंग किसे कहते हैं। तो लिंग किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है, स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला है अपना पुल्लिंग, दूसरा है अपना स्त्रीलिंग। पुल्लिंग अब अपन पढ़ेंगे पुल्लिंग शब्द के बारे में, लिंग के जो भेद है उनके बारे में। पुल्लिंग जिन शब्दों से उनके पुरुष जाति जिन शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मयंक ने खाना खाया, मयंक ने खाना खाया, मोर उड़ गया, सवेरा हो गया, पहाड़ ऊंचा है, तो जिन शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। अब पुरुष जाति का कैसे, जैसे मयंक ने खाना खाया, मोर उड़ गया,
सवेरा हो गया, पहाड़ ऊंचा है। तो ये सभी के सभी मयंक है, मोर है, सवेरा है, पहाड़ है, ये सभी के सभी किस जाति का बोध करवा रहे हैं? पुरुष जाति के होने का बोध करवा रहे हैं। किसका बोध करवा रहे हैं? पुरुष जाति के होने का बोध करवा रहे हैं। और पुरुष जाति के होने का बोध करवा रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। इन्हें हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। इसी प्रकार स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में जिन शब्दों से उनके पुरुष जाति की जगह अपन को क्या हटाना है, यहाँ पे इसको हटा के अपन को क्या कर देना है? स्त्री जाति। क्या कर देना है? स्त्री जाति। जिन शब्दों से उनके स्त्री जाति के होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग की जगह अपन क्या लिख देंगे? स्त्रीलिंग लिख देंगे। बाकी सेम का सेम रहेगा। तो अपन ने क्या चेंज करा है? कोई स्त्रीलिंग में जिन शब्दों से उनके पुरुष की जगह अपन क्या कर देंगे? स्त्री। स्त्री जाति के होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मोहिनी ने चाय पी ली, माताजी जा रही है, दादी जी कहानी सुना रही है, सौम्या खाना खा रही है, ठीक है। देखो मोहिनी, माताजी, दादी जी, सौम्या, ये किसका बोध करवा रहे हैं? अपन को स्त्रीलिंग का करवा रहे हैं। कि मोहिनी ने चाय पी ली, माताजी जा रही है, दादी जी कहानी सुना रही है, सौम्या खाना खा रही है। तो ये सभी के सभी जो मोहिनी है, माताजी है, दादी जी है और सौम्या है, ये सब के सब अपन को किसका बोध करवा रहे हैं? स्त्रीलिंग जाति का बोध करवा रहे हैं। इसलिए हम ये सब कौन से कहलाए? स्त्रीलिंग कहलाए। तो अपन ने जो जेंडर है, लिंग है, उसके बारे में, डेफिनेशन के बारे में पढ़े, उसके प्रकार पढ़े। उसके प्रकार क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं वो भी अपन ने देखा, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं वो भी अपन ने देखा। इनके दोनों उदाहरण भी देखे अपन ने कि स्त्रीलिंग जाति के क्या उदाहरण होते हैं, पुल्लिंग जाति के क्या उदाहरण होते हैं। अब अपन अलग अलग इनके उदाहरण, जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना अपन कल सीखेंगे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किस प्रकार बनते हैं, या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग किस प्रकार बनते हैं, तो ये अपन कल पढ़ेंगे। आज का जो होमवर्क है वो अपना यही रहेगा, लिंग किसे कहते हैं, लिंग के प्रकार बताइए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। थैंक यू। Thank you.